नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी मैंने फिल्म देखी है कहानी रबर्ट बैंड की। इसके अंदर है प्रतीक गांधी, मनीष, अबिका गौड़ और अरुणा ईरानी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सारिका संजोत। स्टोरी की अगर बात की जाए तो स्टोरी सिंपल सी है। दो प्यार करने वाले, उनकी हो जाती है शादी, फिर फैमिली चाहती है उनसे एक लल्ला, और जो अबिका गौड़ है उनको नहीं चाहिए, अभी लल्ला बच्चा नहीं करना चाहती है वो, अभी लाइफ के अंदर सेटल होना चाहती है, तो इसलिए वो यूज करते हैं प्रोटेक्शन, यानी कि करते हैं रबड़ बैंड का। लेकिन प्रोटेक्शन हो जाता है फेल और अबिका गौड़ हो जाती है प्रेग्नेंट, क्योंकि रबड़ बैंड गया है फट। जो मनीष है वो रबड़ बैंड कंपनी पे कर देते हैं केस। अब ये केस जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये तो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म के डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन बिल्कुल ही कमजोर है, यानी कि आप इस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रतीक गांधी जो है उनकी एक्टिंग मुझे कुछ ठीक ठाक लगी, बाकियों की एक्टिंग तो ऐसे लग रही है जैसे उनपे एक्टिंग है ना करवाई नहीं गई, थोपी गई है उनपे और वो जबरदस्ती है ना एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग के मामले में ये फिल्म बिल्कुल जीरो लगी मुझे। स्टोरी के अंदर कोई दम नहीं है, एक छोटा सा मैसेज है जिसे 4-5 मिनट की छोटी वीडियो के अंदर भी दिखाया जा सकता था, फिल्म बनाने की कोई जरूरत लगी नहीं मुझे। और अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो OTT पे जब ये रिलीज हो जाएगी तो फ्री फोकट में देख लेना। वैसे तो मुझे ये फिल्म फ्री में देखने वाली भी नहीं लगी, क्योंकि ना फिल्म के अंदर एक्टिंग, ना डायरेक्शन, ना स्टोरी, ना BGM, ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज, बस बना डाली एक बोरिंग मूवी। बाकी मुझे तो ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मिलती रहेगी आपको। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मौज लें, रोज लें, ना मिले तो खोज लें।